के आगे ना केवल नमस्कार करता इसलिए आपका बधाई के बाद भगवान परशुराम जी क्या आपका परिचय है चाणक्य का आपका अंश है और ये गौरव हमको हासिल है कि हम उनके वंशज हैं जिन्होंने हमेशा राष्ट्र को एक नई दिशा दी। मित्रों, ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं होता, ब्राह्मण संकीर्ण हो ही नहीं सकता, हमेशा राष्ट्रवादी रहा है। भगवान परशुराम जी की अभी आप जयकारा बोल रहे थे, यहीं से मैं इसे बताना शुरू करूंगा कि ब्राह्मण ने अपना इष्ट परशुराम जी को ही क्यों माना। कई अवतार हुए हैं, एक अवतार तो आपके इस एटा नगरी से जुड़ा हुआ है, ये अवतारों की भूमि है, ये क्रांति की भूमि है। तो मित्रों, सबसे पहला अवतार हुआ था इस धरती पर जिसने मानवता को आताताइयों से मुक्ति दिलाई थी, वो था मत्स्य अवतार। आप सब जानते हैं, लेकिन मैं उसमें एक खास बात बताना चाहूंगा। मत्स्य के रूप में यानी मछली के रूप में ईश्वर ने अवतार लिया और उस समय जो संकट था मानवता पर उससे मुक्ति दिलाई थी, यानी अवतार हुआ जलचर के रूप में। मछली जल में पैदा होती है, बाहर निकलती है तो निर्जीव हो जाती है, तो पहला अवतार जलचर में हुआ। फिर विकास हुआ अवतारों में भी, उसमें भी विकास बाद हुआ। अगला अवतार कछुआ अवतार के रूप में, कछुए के रूप में जो था तो जलचर था, लेकिन जो विकास हुआ कि जब धरती पर भी वो चल सकता था, जीवित रह सकता था। उसके बाद विकास का क्रम बड़ा अवतार में, वह अवतार जिसकी सौरव भूमि है, आपके एटा का भाग है, वरा अवतार थलचर था। अब जलचर से आगे थलचर पे आए और जल में भी जा सकते थे, फिर विकास हुआ यानी अवतार। उसके बाद नरसिंह का अवतार था, भगवान ने आतताई हिरण्यकश्यप से मुक्ति दिलाने के लिए नरसिंह के रूप में अवतार लिया। इससे पहले अवतार पशु रूप में थे, अब आधे पशु आधे नर के रूप में नरसिंह का अवतार हुआ, यानी फिर विकास बात हुआ। उसके आगे पूर्ण मानव के रूप में वामन अंग के रूप में वामन अवतार हुआ, अब फिर विकास हुआ, पशु से छूट गया विकास अवतार, मानव के रूप में आया, लेकिन वामन अंगुल के मानव के रूप में आया, आप सब जानते हैं। उसके बाद अवतार हुए परशुराम जी, पूर्ण पुरुष के रूप में पहला अवतार हुआ था परशुराम जी का, हुआ इसमें तो कुछ। इसलिए वो हमारे इष्ट है। उसके बाद क्रम बढ़ता चला गया, तो हम उनके वंशज हैं और हम जो कुछ भी मानते हैं वो कुछ सोच कर मानते हैं, उसके पीछे कुछ फलसफा होता है, कुछ दर्शन होता है। तो हमारे परशुराम इष्ट माने गए, उसके पीछे दर्शन यही था कि पहला अवतार पूर्ण पुरुष के रूप में परशुराम जी हुए। देखो, हम लोग जब बात करते हैं अपनी एकता की, अखंडता की, राजनीति में जैसा मैंने कहा कभी ब्राह्मण जातिवादी नहीं हुआ, उसने चुनकर ऐसे लोगों को राजनीति दी
जो इस काबिल थे, राजनीति हाथों में सौंपी जो राष्ट्र निर्माण में सहायक हो सकते थे। चाणक्य का उदाहरण आप सब जानते हैं, एक भेड़ चराने वाले बालक को हिंदुस्तान का सम्राट बना दिया, ये चाणक्य का एक ब्राह्मण की देन थी। इसके अलावा लिखा नहीं, हम उसी के वंश। राजनीति को बदलना हमको आता है और राजनीति को संभालना भी हमको आता है, ये हमारे अब हमको सोचना चाहिए कि ब्राह्मण है इतना सुरक्षित। तो जब ब्राह्मण नीतियों की बात करता है, राष्ट्र की बात करता है, तो सबको एक ही बात करती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह राष्ट्र सुरक्षित है और पूरा समाज सुरक्षित है। लोग आते हैं हमको बहकाने, बरगलाने कि हम आपका हित करेंगे, लेकिन जरा बोलिए कि ब्राह्मण हित असुरक्षित और ब्राह्मण की प्रगति राजनीति में कहां सुरक्षित है? क्योंकि नेचर से अलग हटेंगे हम तो अपने असलियत को भूलेंगे। प्रकृति हमारी क्या है? राष्ट्रवादी है, इसलिए हम ब्राह्मण है। दो तीन उदाहरण देके बताऊंगा कि किस तरह हमारा अतीत था और शानदार था, भूत को वर्तमान भी सुधरना चाहिए जिससे भविष्य प्रखर हो सके। आप सब जानते हैं जिन घटनाओं को मैं सुनाऊंगा, मैं तो सिर्फ दोहरा रहा हूं। चाणक्य के बारे में मैं कह रहा था, एक बालक को, गडरिये के बालक को, अगेन समाज के बालक को सिरमौर बनाया और एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जिसको विश्व में उदाहरण बना। चीन का यात्री हिंदुस्तान आता है यह देखने की वो स्वर्णिम काल जो भारत का था वो कौन व्यवस्था है यहां पर, और चाणक्य को भी देखने आता है। जब वो राज दरबार में पहुंचते हैं तो सोचते थे कि इतने बड़े साम्राज्य का महामंत्री आभूषणों से युक्त मुकुट पहने हुए बढ़िया से बढ़िया वस्त्र धारण किए बैठा होगा। वहां देखा कि एक सफेद धोती में ही व्यक्ति बैठा जिसको चाणक्य होता है, तो हतप्रभ रह गया। ये साधारण वस्त्रों में वो व्यक्ति जो इतने बड़े साम्राज्य का महामंत्री, उसने सोचा इससे अकेले में करना चाहिए, आखिर में क्या विशेषता है, क्या वैशिष्ट्य है इसके अंदर। उन्होंने कहा कि महात्मा चाणक्य, मैं आपसे एकांत में कुछ बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा शाम को आइए मेरे कुटिया पर। शाम को कुटिया पर जब पहुंचे तो चाणक्य उस समय कुछ काम कर रहे थे, वो डिबरी जो होती है भट्टी के तेल की जो रोशनी लेती है उसमें लिखा पढ़ी कर रहे थे। वो पहुंचे, उन्होंने बैठाया उस डिबरी को, बुझाया दूसरी डिबरी, जलाई और कहा चलिए वार्ता शुरू कीजिए, क्या कह रहा है। तो यहीं से उसके दिमाग में चीनी यात्री के आया कि ये क्या किया है, यह भी वही रोशनी दे रही थी और यह डिबरी भी वही रोशनी दे रही है। तो पहला प्रश्न उसने यही किया कि ये आपने बुझाई क्यों और इसको जलाया क्यों। तो बोले मैं अभी तक सरकारी काम कर रहा था, इसकी सरकारी तेल फूक रहा था और व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, अपना तेल फूकूंगा। तो हिंसा लिखता है कि जिस देश का महामंत्री राष्ट्र के प्रति इतना समर्पित हो उस राष्ट्र का पराभव हो नहीं सकता, तो वो चाणक्य था। ये है हमारी चिति, ये हमारी प्रगति, इसको हमें जीवित रखना चाहिए। हमने हमेशा मानवता के लिए काम किया है, देश के लिए काम किया है। धनीश का उदाहरण है इस बात का कि जब मानवता पर संकट आया और वो राक्षस मारा नहीं जा रहा था किसी भी
तरीके से। तो विष्णु भगवान ने कहा कि एक खनिज है अग्नि, उनके शरीर की हड्डी से अगर वज्र बनेगा इंद्र, उससे ही ये राक्षस मरेगा। अब किसी व्यक्ति के पास जाओ कि अपना जीवन होम करो, हमें तुम्हारी हड्डियां चाहिए, कोई माई का लाल दे सकता है क्या? लेकिन वो लोग पहुंचे सब चाहते हुए, तो हरीश ने कहा कि यदि मानवता के लिए मेरे शरीर की हड्डियां काम आती है तो ये शरीर होम है। उन्होंने शरीर को होम किया मानवता के लिए। ये है ब्राह्मण। और ब्राह्मण इतना त्यागी है तो ब्राह्मण साहसी भी है, साहस भी उसका गुण है। जब शंकर भगवान का धनुष टूट गया जनक के दरबार में, अब परशुराम जी को मालूम पड़ा और क्रोध से तपतपाते हो कि मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ा है, उसे देखना है। वहां पहुंचे तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि नाथ संबोधन भजन निहारा हो गई, तो ये दास तुम्हारा, वो कुछ तुम्हारा दास है जिसे किया होगा। तो कहते सेवक वो जो करे सेवकाई, अरे करते न करे लड़ाई, ये वो हो नहीं सकता सेवक, वो सहस्त्र भाव की तरह मेरा दुश्मन होगा जिसने इधर छोड़ा है, उसको सामने लाओ। और फिर जो कहा उन्होंने, सो बिलगाओ बिहाई समाजा ना तुम्हारे जय है सब राजा। इतनी बड़ी राजाओं की सभा में अकेले परशुराम, शूरवीर महावीर रावण भी मौजूद था उसमें, और हर राजा अपनी अपनी सेना के साथ आया होगा उस स्वयंवर में। वो स्वयंवर में चुनौती देता है कोई ब्राह्मण, ना तुम्हारे जय है सब राजा, अपनी ब्राह्मण ही साहस भी हमारे। और जब उन्हें मालूम पड़ा तो विनय भी हमारे अंदर है कि उन्होंने माफ किया उनका, ठीक है। तो साहस और विनय दोनों ही साथ साथ किसी में गुण है, ब्राह्मण के गुण है कि हमको अपने अंदर जीवित रखते हैं। क्या कारण है कि आशीर्वाद ब्राह्मण लेता है? 60-70 साल का कोई बुजुर्ग ब्राह्मण के 10 साल के लड़के से भी कहता है पंडित जी पायला लो, क्यों? क्योंकि हमने जो कुछ किया है वो समाज के लिए किया है, राष्ट्र के लिए किया है, इसीलिए पूजनीय है। जिस दिन हम अपने स्वार्थ के लिए करेंगे तो हम पूजनीय नहीं रहेंगे। ये हमारे आशीर्वाद देने की ताकत हमें, तो हमें श्राप देने की भी ताकत ईश्वर ने दी है। संगठित होकर आज लोकतंत्र है, इसमें संगठन की शक्ति है। संगठित होकर बेड़ा पार कर सकते हैं तो संगठित होकर किसी का बंटा टार भी कर सकते हैं। तो मित्रों, जो हमारे स्वाभाविक गुण है उनको जीवित रखें, संगठित करें, जो भी आता है उसको चुनौती देने के साहस रखें, यही हमारे गुण है, हमें इनको बनाए रखना चाहिए। और ये गुण बने रहेंगे तभी 10 साल के बच्चे को लोग पायला कह सकते हैं, वरना हम भी कहीं सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूँ।